हाय, मैसेल बिप्लव कुमार सिन्हा। बींग ए डायरेक्टर, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो फिल्म है उड़ान, ये फिल्म बनाया गया है हमारा लॉकडाउन के ऊपर बेस करके। सारा देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर किसी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया गया है वो है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री का बहुत सारा एम्प्लॉय आज के दिन में घर में बैठे हुए हैं या कंपनी से बैठा दिया गया है। जॉब लेस हो चुके हैं बहुत लोग, सो दे आर ऑल इन अ फ्रस्ट्रेटेड मोड। तो वी आर ऑल्सो इन टू द एविएशन इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। इस कंपनी का नाम है टैलेंटो एविएशन। टैलेंटो एविएशन का ये जो इनिशिएटिव है कि सारे एम्प्लॉय एक साथ मिलके कुछ करना चाह रहा था। यहाँ पे इस फिल्म में आप किसी को भी, किसी जगह पे भी आपको कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एक्ट्रेस नहीं मिलेंगे, इवन आफ्टर द सिंगर्स ऑल्सो। ये सारे, ये फिल्म बनाने में जितना लोगों का हाथ है, ये सारे मेरा एम्प्लॉय है। कोई टैलेंट एविएशन का है, कोई ओरिन मीडिया का है, कोई कोई आरवी न्यूज़ का है, एडिटर्स, कैमरे पर्सन, सब मिलके ये फिल्म को बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। मेरा मकसद यही था और मोटो यही था कि सब लोग मिलके कुछ करें, क्योंकि लॉकडाउन में दे आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम और उसके साथ एक बोरनेस हो जाता है घर में बैठ के। तो मुझे लगा कि क्यों ना सारे एम्प्लॉय को लेके एक फिल्म बना डाले। वैसे तो प्रोफेशनली बिजनेस डायरेक्टर हूँ, बट अभी फिल्म डायरेक्टर भी बनने के लिए बैठा हुआ हूँ। बट जो भी है, हमने कोशिश किया सब लोगों को एक साथ लेके, मोबाइल से शूट करवा के, मोबाइल से समझाना कि कैसे एक्टिंग करना है, कैसे क्या बातें करना है। और ट्रस्ट मी, आप मानिए, आप लोग मानिए कि इस फिल्म देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सब लोग अच्छे से ये किरदार बहुत अच्छे से निभाया है, क्योंकि दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग द रियल कैरेक्टर, रियल सिचुएशन, एक ओरिजिनल सिचुएशन को वो लोग बयां कर रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा चीज़ निभाया गया है। मेरा इस उड़ान के फिल्म में एक ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और मैसेज देना है, आसमान में फिर हमारा उड़ान भरेंगे और इस उड़ान के चलते हुए जिस दिन उड़ान भर जाएगा, सबको सही दिशा में, सबको अपने अपने जगह पे जॉब मिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद पे हम लोग उड़ान के लिए उड़ान भरेंगे और एक दिन सब अच्छे हो जाएंगे। All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Cigarette peena cancer ka karan aur janleva hai. Sharab peena sehat ke liye hanikarak hai. ये कहानी है दो ऐसे इंसानों की जो कि एयरपोर्ट पे काम करते हैं। ये दोनों ही ग्राउंड स्टाफ हैं, जिनमें से एक है विशाल जो कि एक सीनियर ग्राउंड स्टाफ है, और दूसरी है लाबुन जो कि विशाल के अंडर काम करती है, यानी कि उसकी जूनियर एम्प्लॉय। और दोनों ही एक साथ एक ही एयरपोर्ट पे काम करते हैं। देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांदनी कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आज इतना सुबह सुबह नींद खुल गया आपका? एयरपोर्ट से कॉल आया था। अच्छा,
बिग बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाया है। 12 बजे ऑफिस आ जाओ। मैं कैब शेड्यूल कर दे रहा हूँ। एनीथिंग अर्जेंट सर? वो अभी नहीं बता पा रहा हूँ। अच्छा। बट कोरोना के लिए कुछ होगा शायद। ओके। आई ऑल्सो गेस सो, क्योंकि टीवी पे भी तो दिखा रहा है चारों तरफ जो चल रहा है। माय मॉम इज ऑल्सो टू स्केयर्ड। God knows what is going to happen. जल्दी रेडी हो जा। ओके सर। जो भी है आके देखते हैं। मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। चल बाय। ओके सर बाय। सी यू देन। God knows what happened. हमारी अगली कहानी है फरा और विवेक की। फरा और विवेक शहर के एक बहुत ही नामी और विख्यात एविएशन कंपनी में अपनी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। विवेक फरा को लेके काफी भावुक और जज्बाती है और वहीं दूसरी तरफ फरा अपने भविष्य और करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है। फरा के लिए पहले करियर और बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ट्रेनिंग पूरी करके नौकरी लगते ही दोनों शादी के बंधन में बंधना भी चाहते हैं। ऐसे सोते रहोगे तो कभी तो आपको उड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ओके ओके बस तुम अब इतना भी ज्ञान मत दो। सी यू इन द क्लास। या चलो बाय। हां सी यू। आइए अब मिलते हैं प्रकाश मिश्रा और उनकी पत्नी मिष्टि से। इनकी कहानी थोड़ी अनोखी और प्रेरित करने वाली है। प्रकाश एक हिंदू ब्राह्मण परिवार के हैं और एयरपोर्ट मैनेजर के पद पे काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने काफी सफलता भी प्राप्त की है। और वहीं दूसरी तरफ हैं प्रकाश की पत्नी मिष्टि जोसेफ, जो कि एक कैबिन क्रू है। इन्होंने हाल ही में शादी की है, जो कि एक लव मैरिज है और जिसकी वजह से इनके परिवार वाले इनके खिलाफ हो गए। इसके बावजूद इन दोनों ने किसी की परवाह ना करते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोनों की अच्छी नौकरी होने के कारण इन्होंने होम लोन लेकर अपने परिवार वालों से दूर अपना एक आशियाना भी बसाया। प्रकाश नीता ने खाना बना दिया है, टाइम पे खा लेना। हाँ ठीक है। आप सब कुछ ठीक से ले लिए हैं तो? हाँ ले लिया है। अच्छा सुनिए ना, वो 5,000 रुपये थोड़ा पेटीएम कर दीजिएगा। क्यों? परसों ही तो दिए थे 5,000, सब खत्म हो गया। अरे आपको मालूम नहीं है क्या, सैलरी नहीं मिला है ना अभी तक। मालूम नहीं कब मिलेगा फिर से, कंपनी लॉस में जा रही है। Yes, I know. But आप बात समझो, try and understand. अभी फालतू खर्च नहीं करना है। You know, TV का EMI है, phone का EMI है, flat का EMI है,
लास्ट 3 मंथ से तो मैं ही पे कर रही हूँ। Enough mystery। अरे फ्लैट के EMI, फोन के EMI, टीवी के EMI, सब कुछ तो सबका तो डाउन पेमेंट मैंने ही किया था ना। अभी 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही तो क्या बोलना चाहूँगा? आज हो गई? ठीक है, नहीं चाहिए, रहने दीजिए, सावधानी से लेंगे, बाहर बहुत प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चेक योर वीडियो। ओके, नाउ आई एम लीविंग। ओके, टाटा, बाय बाय। मंडे मिलते हैं, टेक केयर। अब मिलते हैं अशोक सान्याल जी से। ये अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायरमेंट वाली लाइफ गुजार रहे हैं। इन दोनों का ध्यान हमेशा अपनी इकलौती बेटी की तरफ ही रहता है। इनकी बेटी का एक ही सपना था कि वो किसी दिन एविएशन इंडस्ट्री का हिस्सा बने और एक अच्छी जॉब लेकर किसी एयरपोर्ट से अपने करियर की शुरुआत करें। अशोक जी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी के इस सपने को पूरा किया और आज इनकी बेटी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके देश की राजधानी नई दिल्ली के एयरपोर्ट पे पूरी लगन से काम कर रही है। खाली कोरोना 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 और पॉलिटिक्स और कोई न्यूज नहीं है, या टीवी में हो या न्यूज़पेपर में, और कुछ भी न्यूज नहीं है। मुझे तो प्रिया के लिए बहुत चिंता हो रही है, वो अकेली दिल्ली में है, पता नहीं क्या कर रही है। तो मैं फोन लगाता हूँ, अभी बात कर लो ना। ये लो फोन, बात कर लो। हेलो मम्मी। हेलो प्रिया बेटा। हाँ कैसे हो तुम? यस आई एम गुड। हाँ दिल्ली में सिचुएशन कैसा है? But situation is here becoming so bad. अच्छा लो पापा से बात करो। हेलो प्रिया, कैसा है सब? थिंग्स आर ऑल ओके देयर? आई थिंक फ्यू डेज लॉकडाउन कैन बी हैपन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कुछ भी मुश्किल हो, प्लीज गिव मी अ कॉल। श्योर पापा। मेरा दोस्त लोग दिल्ली में है। आई विल इन्फॉर्म। आई जस्ट अबाउट टू गेट और आइए अब मिलते हैं एक दिलचस्प बिजनेसमैन मिस्टर सरताज सिंह रंधावा से। सरताज का अपना एक एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी शुरुआत हुई एक शहर से और आज इसकी प्रसिद्धि पूरे भारत वर्ष में है। कुछ लोग होते हैं जिनका कर्म ही उनका धर्म होता है और सरताज इसकी जीती जागती मिसाल है। इनका कर्म, इनका धर्म, सिर्फ इनका बिजनेस है। सरताज का एक छोटा और सुखी परिवार है जिसमें इनकी धर्मपत्नी और एक प्यारा सा बेटा है। थोड़े शौकीन मिजाज के हैं लेकिन इनकी सादगी, विनम्रता और दिलदार होने की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हाँ जी। अरे बड़े जल्दी आ गए आप। हाँ थोड़ा सामान लाया हूँ घर का। हाँ जी आ रही मैं। जल्दी तो आना ही यार, क्या जिम क्या करना। क्यों क्यों यार? मत बोल यार।
जिम में भी किसी को एक्सरसाइज की पड़ी नहीं है. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस COVID-19, कोरोना वायरस, हाउ मेनी इन्फेक्टेड, हाउ मेनी डेड, बस यही डिस्कशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. जिम दिमाग खराब कर देगा यार कोरोना, पता नहीं कब जाएगा. हल्ले तो शुरुआत ही हुई है. सही में यार बड़ा स्यापा पै गया, बहुत ज्यादा है, हर जगह फैलता ही जा रहा है, फैलता जा रहा है. सनी का फोन आया सी, बोल रहे कि आपका फोन ऑफ था. हाँ वो जिम में मेरा फोन ऑफ था. कुछ बोल रहा था सनी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस बोल रहा था कि वीरे किथे, फोन ऑफ है. मैं ठीक है, मैं फ्रेश होके उसको एक बार कॉल कर लेता हूँ. तो मैं नाश्ता लगाऊं? नहीं पहले मेरे को एक ग्लास गरम गरम दूध दे. हाँ जी ठीक है. ठीक है फिर मैं करता हूँ, फिर उसको कॉल कर लेता हूँ. हाँ जी. लॉकडाउन की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी. इस लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा. एविएशन इंडस्ट्री में भी इसका असर पड़ेगा, बहुत सारे लोग अपने नौकरी गंवा रहे हैं. कहाँ हो? I'm in Mumbai. Yes, just roaming on the terrace. आप बताओ. आपने ये न्यूज देखा? Yes, I heard the news. But I guess I'm okay with it. अरे आप ठीक कैसे हो सकते हो? I got the email from the HR in the morning. My job is safe. अच्छा. But what about yours? नहीं एक मेल तो आया हुआ, देखा नहीं मैंने. आपको कॉल लगा, एक मिनट रुकिए मैं देख के बताता हूँ आपको. बोला कि अभी घर में बैठिए, वही लिखा हुआ है कि स्टे बैक एट होम विदाउट सैलरी. बोलेंगे अब कब, बोले कि जब सिचुएशन ठीक होगा आपको बुलाया जाएगा. ओके लिसन डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, आई विल टेक केयर ऑफ इट. ओके टेंशन वो बात की आप समझिए कि वो लोन्स हैं, इतने सारे लोन्स भी देने हैं ना. इट्स ओके. चलो ना, आई नीड टू गो, मुझे नहाने जाना है, आई हैव माई फ्लाइट. ओके यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय. ओके sending mail to you people. Ma'am, it's not. Ma'am, please listen to me. Ma'am, मेरे ऊपर बहुत सारा responsibility है. Ma'am, अचानक अगर मेरा job चला गया तो ma'am it will be very big problem for me, ma'am. See, I understand. Now you also have to understand the current scenario. What is going on? Ma'am, I'm really really sorry, ma'am. Please, ma'am, try to understand my problem, ma'am. Please, ma'am. See,
I cannot do anything and I cannot insure you anything also. See, in case you get a better opportunity somewhere, you please go and join there, because we don't know when this situation is going to, you know, become fine. So now the thing is, you please try and search for another job if you get. This is what I can tell you. आईपीएल वाला मैच चल रहा था ना, जिसमें विराट कोहली, क्या तुम विराट कोहली का मैच देख रहे हो, वो भी पुराने वाला? अरे तुम रो क्यों रहे हो, हुआ क्या है? न्यूज़ देखा है तुमने? पीएम ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन? व्हाट लॉकडाउन? क्या होगा हम लोगों के फ्यूचर का? फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे हो कि नहीं? हाँ तो कमी हुई दोनों का, हाँ था प्लेसमेंट, वो तो होने वाला है। हम लोग इतना सारा पैसा उधर दे दिया, मेरे पापा ने अपने जमीन बेच के दिया था उधर, इतना सारा पैसा इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, अब क्या होगा हम लोगों के पैसों का? व्हाट रविश, तुम क्या क्या बोल रहे हो, तुम मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पता था कि नेक्स्ट महीना ज्वाइनिंग होगा, पर अभी तो लॉकडाउन है, कितने दिन में खुलेगा किसी को पता नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं है। लिसन लिसन, मुझे एक बार देखने दो, दो मिनट दो मुझे, मुझे थोड़ा देखने दो क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या तुम बोल रहे हो, थोड़ा दो मिनट दो। यस यस मेबी आई एम कमिंग, तुम थोड़ा मुझे दो मिनट दो, मैं देख रहा हूँ क्या हुआ है, क्या बोल रहे लोग। नहीं तुम अभी आओ, तुम अभी आओ। ठीक है तुम देखो मुक्त दो, थोड़ा दो मिनट, हाँ आई एम कमिंग। ओके ओके। इस लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, एविएशन इंडस्ट्री में भी इसका असर पड़ेगा, बहुत सारे लोग अपने नौकरी गवा रहे हैं। पप्पू यहाँ पे एक बार आना। क्यों? क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? अभी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का घोषणा कर दिया। अभी। अरे? जो सब लोग बोल रहे थे। अरे? लॉकडाउन होगा, अभी लॉकडाउन होगा। प्रिया तो दिल्ली में है। वो क्या कर रही है? क्या खाएगी? क्या करेगी वो? अरे पहले बोलो वो आएगी कैसे, कल से तो लॉकडाउन 12 बजे से, रात 12 बजे से लॉकडाउन का घोषणा हो गया, आएगा कैसे प्रिया? अभी क्या कर रहा, फोन मिलाओ। पापा का फोन? हाँ पापा जी। तुमको पता है लॉकडाउन का घोषणा हो गया अभी? अब तो वही न्यूज़ देख रहे थे हम। लो वहां से बात करो, वहां बहुत चिंतित है। यस पापा दीजिए। हाँ प्रिया बेटा, सुना है ना लॉकडाउन हो गया है? हाँ मम्मी। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। हाँ हाँ मम्मी, आप भी ठीक से रहिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। लो पापा से बात करो। अभी तो रात से लॉकडाउन शुरू हो गया है। हाँ पापा। मालूम नहीं अभी तब फ्लाइट का चलेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा शायद। हमको नहीं लग रहा है, कुछ सर्विसेज देगा इधर से। ओके, मैं कुछ देर बाद तुमको फिर फोन करता हूँ, बाय। हेलो हेलो टैलेंट एविएशन। यस यस सर, मैं फलक बोल रही हूँ।
या फलक, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सर मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, ये सर दो दिन पहले ही मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, बट सडनली अभी होल इंडिया लॉकडाउन अनाउंस हो गया। या फलक, आई आल्सो नो दैट, या आई सॉ द न्यूज़। हाउ? यस सर। ये सर तो इस लॉकडाउन में हमें अपना हमारा रिफंड कैसे मिलेगा सर? देखो फलक, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज सी नहीं इट्स ओके। अब सी देखो, रिफंड के बारे में अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि सडन लॉकडाउन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना सर। बट मैंने अपनी एयरपोर्ट जॉब के लिए मैंने अपना पूरा जमा पूंजी लगा रखा था सर, मुझे अगर रिफंड नहीं मिलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंकना फ्रॉम योर कंपनी टैलेंट एक्विजिशन सर्विसेज। हेलो। मैंने अभी एचआर से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ नो श्योरिटी दैट इफ आई एम गोना गेट द सैलरी ऑफ दिस मंथ और नॉट सर। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, मैं रूपानीता बोल रही थी। सर अभी तो पूरा लॉकडाउन हो गया है पूरा देश में सर, अभी प्लेसमेंट का क्या कुछ होगा? देखिए रूपानीता, मैं अभी यही कह सकता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन है तो प्लेसमेंट होना, प्लेसमेंट तो आपका हो ही जाएगा राइट, बट ज्वाइनिंग पार्ट जो है वो एक बार लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही हो पाएगा रूपानीता। कुछ तो होगा, कोई प्रोसेस होगा, कुछ तो होगा, मुझे रिफंड मेरा कैसे मिलेगा सर? सैलरी नहीं मिला तो आई डोंट नो हाउ टू मेक इट अप सर, बट यू एंड एवरीवन एल्स दे ऑल आर माय वैल्यूड एम्प्लॉइज। सर प्लीज एक बार आप देख लीजिए। नहीं मिला तो मैं कैसे मैनेज करूंगी सर? घर पे कोई नहीं है और मेरा मम्मी का तबीयत भी बहुत खराब है। प्लीज सर, ये सर नहीं मिला तो मैं कैसे मैनेज करूंगी? आखिरकार देश में लॉकडाउन उठाने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस घोषणा से आशा की उम्मीद जगी
व्यापारी से आम आदमी तक की मन में देश भर में खुशियों की लहर। हेलो हेलो, इज इट मिस्टर प्रकाश? यस स्पीकिंग। हाय, दिस इज सुषमा चौधरी, एचआर ऑफ टैलेंट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट। गुड आफ्टरनून। यस, एक्चुअली यू अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एयरपोर्ट, राइट? राइट। या बट आफ्टर सीइंग योर सीवी आई फील दैट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन एविएशन वुड बी वेरी मच फ्रूटफुल इफ यू ट्रेन आवर कैंडिडेट्स एज अ फैकल्टी। यस, व्हाई नॉट, आई एम रेडी फॉर दैट। Yes, we have huge vacancies for the faculty, that too with a very good package. Yes, yes. Okay, then can you please come down with your CV? And we will be processing you for the joining. ठीक है. I'm also looking forward for that only. Yes, please visit us tomorrow for the further discussions. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Talento. Thank you. Hello? Yeah, am I talking to Miss Laboni? Yes. Hi Laboni, this is a call from Talento Aviation Services Private Limited. Yes, ma'am. If you remember, you have dropped your CV in an online job portal. You were looking for something related to airport. Exactly. Calling from Talento Aviation Services Private Limited. Yes, so would like to congratulate you first. That your CV has been shortlisted for the airport job. For the ground staff profile. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks to Talento as well. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yes, the pleasure is all ours. Yes, me being a part of Talento Aviation Services Private Limited, taking the privilege of it. Exactly, ma'am. And it doesn't matter from where you are. What matters is where you're heading to. Okay. So, ma'am, when I have to come down to your office? Stay connected. Our HR team will get in touch with you and brief you the entire process. Start as soon as possible. I'm really very thankful to you and Talento as well, ma'am. I'm really, really thankful. Take care. Yeah, may I speak to Farah? Yes, Farah speaking. Yeah, Farah, I'm calling from the Kolkata airport. You are applying for the ground staff, right? Yes, ma'am. Good afternoon. Okay. So Farah, actually, I'm just giving you information that you are selected for the ground staff job in Kolkata Airport. I got your detail from the Talento Aviation Private Limited. Oh my God, ma'am! Thank you so much, ma'am. Yes. So finally, coordinate with Talento and complete the process and start your journey as soon as possible. Okay? It means a lot, ma'am. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, Farah. Have a good day. Bye. Take care. Love you, ma'am. Love you, Talento. Hello. This is Sartaj Singh from Talento Aviation. Okay. So Falak, this is basically I have called you regarding your refund process. आपने apply किया था ना? उसी के लिए आपको call किया जा रहा है. Yes, मैं refund के लिए apply किया था. See, Falak, Talento Aviation की तरफ से आपके account में आपका जो refund amount है, वो credit कर दिया गया. Thank you so much. Sir, can you please hold for a second? मैं just एक बार check कर लूँ account. I'm on the line. You just check and let me know. A few days back you had applied for a position in the ground staff profile. So basically I called you to inform Tanya that congratulations, your profile has been selected for the ground staff department in the airport. Yeah, Kongana. Yes, sir. Kongana, your salary has been disbursed from here, okay? Okay, sir. Thank you so much, sir. So, it will be transferred, it will be credited to your account tomorrow. Okay, sir. कोई प्रॉब्लम हो तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक बार बात कर सकते हैं, ठीक है?
Okay sir, thank you so much sir. Thank you so much sir. उड़ चला हूँ मैं मेरे दो पंख ओढ़ के। या हेलो मैं हॉस्पिटल ब्रेक। यस मैम। यस दिस आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोलकाता एयरपोर्ट एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द ग्राउंड स्टाफ जॉब राइट? यस मैम। यस एक्चुअली आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोलकाता एंड यू आर सिलेक्टेड सो दिस इज अ कांग्रेचुलेशन कॉल जस्ट स्टार्ट योर प्रोसेस विद टैलेंट एज सून एज पॉसिबल ओके Hello. Hello. Yes. Is it Rupanita? Yes. Okay, Rupanita, जैसे कि आपको पता है अभी तो लॉकडाउन उठ गया है ठीक है सो एज पर योर रिक्वेस्ट मैंने आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दिया हमारे एचआर डिपार्टमेंट में ठीक है My God, I can't believe this, sir, सच्ची में? हाँ तो आप एक काम कीजिएगा यू जस्ट कम डाउन टू द ऑफिस या आप एचआर को मैं बोल देता हूँ आप उनको भी आप मेल कर सकते हो आपके लिए कुछ उन्होंने सॉर्ट आउट किए एयरलाइंस के ऑफर्स तो आप एक बार ऑफिस विजिट करके एचआर से मीट करके You can take the next step, okay? Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. All the best. All the best. उड़ चला हूँ मैं ज़मीन को छोड़ के उड़ चला हूँ मैं मेरे दो पंख ओढ़ के ये दुनिया सारी नीचे हमारी मुड़ के न देखे हम जब रास्ते सार बंध मिले समय को चीड़े हम उड़ चला हूँ मैं समय को छोड़ के उड़ चला हूँ मैं मेरे दो पंख ओढ़ के ये दुनिया सारी नीचे हमारी मुड़ के न देखे हम जब रास्ते सारे बंध मिले जमीन को चीड़े हम उड़ चले चले बीते हुए कल से उड़ चले बुलंद इरादों से उड़ चले बीते हुए कल से उड़ चला हूँ मैं जमीन को छोड़ के चला हूँ मैं मेरे दो पंख ओढ़ के ये दुनिया सारी नीचे हमारी मुड़ के न देखे हम जब रास्ते सारे बंध मिले जमीन को चीर